नमस्कार दोस्तों, कार मेरे यार के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं स्विफ्ट के बारे में। स्विफ्ट जो नई वाली आ रही है, आने वाली है, मेरे हिसाब से तो 9 तारीख को गाड़ी लॉन्च भी है। तो उस गाड़ी के अंदर जो फीचर्स, जो वेरिएंट वाइज एक्सप्लेनेशन है, वो काफी कुछ चीजें हमारे सामने आ चुकी है। तो उसके बारे में आज बात करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या चीज नई आ रही है, पिछली वाली से क्या अलग आ रहा है। तो फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों इसके अंदर पहले की तरह अब भी वेरिएंट्स के नाम नहीं बदले गए, LXi, VXi, ZXi, ZXi प्लस, तो ये वेरिएंट इसके अंदर आएंगे। तो LXi होगा इसका बेस ट्रिम। उसके अंदर दोस्तों क्या क्या चीजें आएंगी उसके बारे में बात करते हैं। पहला दोस्तों सेफ्टी की बात करता हूं। LXi वेरिएंट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट HSA जिसको बोलते हैं, और उसके साथ रियर डिफॉगर, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, 2 एयरबैग्स स्टार्टिंग बेस वेरिएंट के अंदर, 2 कर्टन एयरबैग्स, और टोटल मिला के देखें तो इसके अंदर 6 एयरबैग तक आ सकते हैं। हेलोजन प्रोटेक्टर हेडलैम्प और डे एंड नाइट IRVM, ये सेफ्टी के अंदर हो गया। उसके अंदर फीचर्स जो आएंगे वो देखते हैं। ऑल पावर विंडो, मैनुअल AC, इंटरनली एडजस्टेबल ORVMs, टिल्ट स्टेयरिंग, 12 वोल्ट की सॉकेट पावर चार्जिंग के लिए, एडजस्टेबल फ्रंट हेडरेस्ट, तो ये सब चीजें आएंगी इसके अंदर फीचर्स। स्टाइल के अंदर क्या क्या आएगा, ब्लैक कलर के होंगे ORVMs और ब्लैक कलर के ही डोर हैंडल्स बेस ट्रिम के अंदर आएंगे। ग्लॉसी ब्लैक फ्रंट वाली ग्रिल होगी और LED टेल लैंप्स के साथ 14 इंच के स्टील व्हील होंगे जो कवर नहीं होंगे इसके अंदर, और बेसिक इसके अंदर MID दिया जाएगा जो पहले जैसे आता था। अब बेस ट्रिम जो आता है दोस्तों, जो इस वाला आएगा उसके अंदर नई चीज क्या है पिछली वाली से, साइड कर्टन एयरबैग जो है वो ऐड कर दिए गए। पहले सिर्फ 2 एयरबैग आते थे, अब बढ़ा दिए गए। हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है जो ये आ रहे हैं, पहले सिंपल कन्वेंशनल आया करते थे बेस वेरिएंट में। रिमोट सेंट्रल लॉकिंग पहले नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, ऑल पावर विंडो और रियर डिफॉगर, ये सब चीजें पहले नहीं आया करती थी बेस ट्रिम में, अब बेस ट्रिम में ये चीजें ऐड कर दी गई है। अब प्राइस कितना ऐड हुआ ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि इन्होंने अभी तक फीचर्स प्राइस कुछ नहीं बताई, ये तो हमें कहीं से पता लगा तो हम आपका शेयर कर रहे हैं। आगे देखें VXi वेरिएंट को। VXi के अंदर क्या है, एक्सटीरियर में कुछ बदलाव। VXi के अंदर क्या है, एंटरटेनमेंट के अंदर क्या है, 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले के साथ आएगा, 4 स्पीकर, USB, ब्लूटूथ और ऑक्सी सुविधा साथ में होगी इसके, FM रेडियो भी। फीचर्स की बात करो तो पावर मिरर्स हो जाएंगे अब, और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, रियर पार्सल ट्रे, अब व्हील्स के ऊपर कवर्स और बॉडी कलर्स, डोर हैंडल्स और ORVMs, ये इसके अंदर VXi वेरिएंट के अंदर कुछ फीचर्स और जोड़ के हमारे सामने पेश किया जाएगा। अब हमेशा से रहा है कि VXi वेरिएंट में कुछ ऑप्शन भी दिया जाता है, अब जिसका नाम है VXi O, इसके अंदर क्या ऐड है, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन इसके अंदर दे दिया गया, और पावर फोल्डिंग मिरर्स के साथ टेलीमेटिक्स भी इसके अंदर पेश कर दिए जाएंगे। नया क्या आया दोस्तों पिछले वाले वेरिएंट से, इसमें क्या नया है, टेलीमेटिक्स है और पावर फोल्डिंग मिरर्स, उसके साथ टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो पहले नहीं आता था VXi वेरिएंट के अंदर। अब ZXi टॉप से निचला मॉडल, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, 2 ट्विटर साथ में जुड़ गए, LED DRLs, रियर वॉशर वाइपर्स, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, 15 इंच के पेंटेड एलॉय व्हील्स, रियर AC वेंट्स, USB टाइप ए टाइप सी के चार्जर, वायरलेस फोन चार्जिंग और 60/40 रियर स्प्लिट सीट। अब नया क्या है इस गाड़ी के अंदर, जो पहले ZXi वेरिएंट था और अब के ZXi वेरिएंट में क्या डिफरेंस है, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, DRLs हैं, पहले सिर्फ ZXi प्लस एंड ऑफ ट्रिम के अंदर DRLs दिए जाते थे, इसके अंदर अब ZXi के अंदर भी पेश कर दिए गए हैं, वायरलेस चार्जिंग पहले नहीं आती थी, रियर रिसीवेंस और टाइप सी का चार्जर इसके अंदर नहीं आता था, अब एड कर दिया गया है। टॉप ट्रिम ZXi प्लस, उसके अंदर सेफ्टी में कुछ जोड़ा गया दोस्तों, रियर कैमरा और LED फॉग लैंप्स इस गाड़ी के अंदर आते हैं। उसके साथ हमारे पास टच स्क्रीन सिस्टम भी अब बड़ा हो जाएगा, 9 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम, आर्कमेज की बेहतरीन साउंड के साथ, क्रूज कंट्रोल, कलर्ड MID और मशीन कट एलॉय व्हील्स इस गाड़ी के टॉप ट्रिम में देखने को मिलेंगे। नया क्या है, 9 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम, कभी पहले नहीं आया इतना बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, आर्कमेज साउंड और LED फॉग लैंप्स पहले सिंपल आते थे। अब दोस्तों इन चीजों के तो बदलाव हुआ, मैकेनिकली क्या बदलाव है वो भी देख लेते हैं। नया पहले K सीरीज था, अब Z सीरीज का इंजन है, पहले 4 सिलेंडर था, अब 3 सिलेंडर इंजन है, लेकिन उसमें
पावर की कमी तो थोड़ी जरूर की है उन्होंने, कुछ पीएस पावर घटी है, लेकिन उसकी माइलेज बाकमाल हो गई है, माइल्ड हाइब्रिड गाड़ी कर दी गई है वो। 5 सीट का मैनुअल और ऑटोमेटिक इसके अंदर जो ट्रांसमिशन है वो दिया जा रहा है। 1197 cc का इंजन 81.6 पीएस की पावर 112 Nm की टॉर्क के साथ जनरेट करता है। पहले वाला इंजन 89.8 पीएस यानी कि तकरीबन 90 पीएस थी, 9 पीएस के करीब की पावर कम हुई है, लेकिन टॉर्क 1 Nm बढ़ी है, अब 113 Nm हो गई है। पहले वाली जो गाड़ी थी वो 22.38 की ERI सर्टिफाइड माइलेज क्लेम करती थी, अब वाली गाड़ी माइल्ड हाइब्रिड के साथ 25.72 की माइलेज क्लेम करके दे रही है। तो दोस्तों ये कुछ चीजें इस गाड़ी के अंदर आ रही हैं। इंटरनेशनली जो गाड़ी आ रही है जापान के अंदर, ये गाड़ी दोस्तों 4 स्टार जापान के एनकैप के अंदर लेके आई थी, लेकिन वो वाली गाड़ी की सब चीजें यहाँ पे नहीं आ रही। जो आ रही है जो कंफर्म्ड है वो मैंने आपके डिस्कस कर लिया, LXi VXi VXi ऑप्शनल ZXi और ZXi प्लस में क्या क्या चीजें आएगी, तो इसके हिसाब से इनको इसका प्राइस ब्रैकेट भी थोड़ा सा रखना पड़ेगा कंपेटिटिव, क्योंकि इसको बलेनो से नीचे भी रखना है और इसके साथ के राइवल्स हैं उससे भी इसको भिड़ंत में ना हो जाए गाड़ी, ज्यादा महंगी ना हो जाए, इसलिए भी इस गाड़ी को थोड़ा सा कंपेटिटिव रखने के लिए फीचर्स कम कर दिए। वहां पर एडाज आता है तो यहाँ पे एडाज नहीं दिया जा रहा इस गाड़ी में। और इस गाड़ी की शक्ल सूरत बनावट आपने देखी ली, कई सारी इमेजेस मिल गई और मैंने भी कुछ आपके सामने रख दी हैं। फ्रंट की जो ग्रिल है वो ग्लॉसी राउंडेड है, जो फ्रेम्ड फ्रंट की ग्रिल का काफी प्रोमिनेंट कर दी गई है, और जो हेडलैम्प्स है तकरीबन मोटे मोटे तौर पे वैसे ही लग रहे हैं, थोड़ी बहुत ट्वीक्स का बदलाव है। जो फॉग लैंप्स है वो LED कर दिए गए, थोड़ी सी शक्ल दिखने में थोड़ी सी और इंप्रूव्ड लग रही है। बोनट थोड़ा और फ्लैटन कर दिया गया है, मैं ज्यादा इसके बारे में डिटेल में तब बात नहीं कर रहा क्योंकि जब गाड़ी आएगी तो तब इसके फीचर्स के साथ प्राइस जब आएंगे तो वेरिएंट वाइज एक्सप्लेनेशन में वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट वहां पे निकाल के देखना है। हाँ, एक पीछे लाइव सेशन में मेरे साथ कोई सब्सक्राइबर जुड़े थे, उन्होंने बोला कि यार स्विफ्ट में कुछ बदलाव तो करते नहीं, रियर डोर हैंडल है उठा के पहले ऊपर कर दिया नीचे कर दिया, नहीं अब साइड प्रोफाइल भी थोड़ी सी चेंज कर दी गई है, वैसे ग्लास एरिया तकरीबन वैसा ही देखने में, लेकिन थोड़ा सा उसको जो उसकी जो क्रीजेज है नीचे मेटल बॉडी की वो थोड़ी सी चेंज कर दी गई है, साइड प्रोफाइल में अलॉय चेंज कर दिए गए हैं, पीछे जाते जाते देखे तो टेल गेट थोड़ा सा बदलाव करने की कोशिश की है, हेडलाइट्स के साथ टेल लाइट्स भी वैसे ही थोड़ी सी कुछ बदलाव किया है, ज्यादा बड़े चेंज नहीं नजर आ रहे आपको, दूर से देखने में पुरानी और नई गाड़ी में आइडेंटिकल चेंजेस कुछ नजर नहीं आएंगे कि हाँ यार ये नई वाली है पुरानी वाली है, थोड़ा सा फर्क ही है बस, ज्यादा फर्क नहीं है। इंटीरियर के अंदर काफी सारे बदलाव जो मैंने आपको बताया फीचर ऐड करके और शक्ल सूरत का कुछ थोड़ा सा आपको झलके में मैंने दिखा दी। बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा, बहुत जल्द ही स्विफ्ट आ रही है, कुछ 2 या 3 दिनों में हमारे सामने आ जाएगी, मेरे हिसाब से 9 तारीख का बोला हुआ उन्होंने, तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, लॉन्च से पहले वेरिएंट्स की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, नहीं थोड़ा डिसलाइक कर दो कोई बात नहीं, मेरे को पता तो लगे कि क्या कमी है तो उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।